हुमा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम आपके लेके आए हैं अरबी के पत्ते के पतौड़े। तो देख लीजिए, अरबी के पत्ते ये हमने ले लिए हैं, ये देखिए, और हमने अच्छी तरह से इसे वॉश कर लिया है, ये देखिए। और हमने ये बेसन लिया है 250 ग्राम, और ये हमने बेसन के अंदर डालने के लिए मसाला लिया है 1 चम्मच। हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है 1/2 चम्मच, हमने ज़ीरा लिया है 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हमने नमक लिया है। तो आइए दोस्तों, पहले हम पतौड़े तैयार कर लेते हैं अरबी के। ये सब हम इसमें डाल देंगे और इसमें पानी डाल के थोड़ा थोड़ा, और इसे गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे इसका। तो देखिए, ये हमने पेस्ट बना लिया, देखिए गाढ़ा, ये देखिए। और हमने ये एक कढ़ाई में पानी डाल के थोड़ा सा छन्नी रख दी है, ताकि हमारे पतौड़े जब तैयार होंगे तो हम इसमें डाल सकें। तो देखिए, हमारा पानी गर्म हो जाएगा, जब तक के हम इसमें वन बाय वन पतौड़े डालते रहेंगे। हमने ये पतौड़े ले लिए हैं, पत्ते ले लिए हैं, और अब इसमें हम पेस्ट डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने पतौड़े तैयार कर लिए हैं, और ये हमारा पानी भी हो गया है। और ये देखिए, अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढक के रख देंगे, और ऐसे ही पकने देंगे इसे हम, ये देखिए, ताकि हमारे पतौड़े तैयार हो जाएं। तो फिर हम आपको तैयार हो गए हैं, और हमने देखिए छुरी डाली है, ये देखिए बिल्कुल साफ़ आई है, ये देखिए, ये हमारे पतौड़े हो गए हैं। और देखिए, हमने छुरी डाल के भी देखिए, ये देखिए बिल्कुल हमारे गल चुके हैं। और अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक फ्रेंड, हम आपको मसाला दिखाते हैं इसका। तो देखिए, 2 प्याज ले लिए हमने, ये हमने मोटी मोटी काट ली है, 1 टमाटर लिया है, 2 हमने हरी मिर्च ली है। मसाले में देख लीजिए, 2 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हमने मिर्च ली है, 1/2 चम्मच हमने हल्दी ली है, 1/2 चम्मच नमक लिया है। नमक और मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये 1/2 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, और 1/2 चम्मच हमने ज़ीरा लिया है, और हमने थोड़ी सी हींग ली है। तो आइए दोस्तों, पहले हम इसको और इसको हम पीस लेते हैं, मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे इन दोनों का, प्याज और टमाटर का। ये हमारे पतौड़े ठंडे हो गए हैं, और हमने देखिए इसके पीस काट लिए हैं, ये देखिए, ये देखिए। और हमने पैन रख दिया है, ये पैन में तेल रख दिया है, देखिए तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें फ्राई करेंगे पतौड़े। और एक कढ़ाई में हमने तेल दिया रखा है, 1 चम्मच डाला है, और अब ये तेल हमारा गर्म हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए, 1/2 चम्मच ये ज़ीरा और थोड़ी सी हींग ये हम डाल देंगे। तो देखिए, ये हमारा ज़ीरा और हींग हो रही है, और हम ये प्याज, हमने जो प्याज काटी पीस की है, सॉरी, तो अब ये भी हम इसमें डाल देंगे, ये देखिए, और इस प्याज को हम फ्राई करेंगे। तो देखिए, ये हमारा तेल हो चुका है, और 1 बाय 1 इसमें हम ये डालेंगे, ये देखिए, हम इसमें फ्राई कर लेंगे सारे डाल के। तो देखिए, ये हमारे फ्राई हो रहे हैं, और इधर हमारा ये देखिए प्याज फ्राई हो रही है, हमारी प्याज हो गई है। और अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, ये देखिए, हमने टमाटर पीस रखे हैं, 1 टमाटर हमने जो पीसा था, और हरी मिर्च पीसी थी इसमें, तो ये डाल देंगे हम। और ये देखिए, सारे मसाले डाल देंगे, और अब इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी डाल के हम भून लेंगे, फिर हम आपको दिखा रहे हो चुके हैं, ये देखिए, इसमें सुनहरापना आ गया है, ये देखिए। और अब इसे हम बंद कर देंगे गैस को, और इधर ये हमारा मसाला भून हो गया है। और अब इसमें 1 चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे, ये देखिए, ग्रेवी चाहिए उतना आप इसमें पानी डालिए, हमने 1 गिलास पानी डाल दिया, ये देखिए। और अब इसमें उबाल आने दें, तो देखिए एक उबाल आ गया है इसमें, और अभी हम जो पीस हैं ये हम 1 बाय 1 इसमें डालेंगे, ये देखिए, आँच हल्की कर देंगे, ये देखिए सारे पीस हम इसमें डाल देंगे ये। और अब इसे हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। ये हमारे पतौड़े बनके तैयार हो गए हैं, और अब हम डिश आउट किए, हमारे पतौड़े बनके तैयार हो गए हैं, ये देखिए दिखने में कितने यम्मी लग रहे हैं, ये देखिए।
खाने में उतने ही टेस्टी हैं, बिल्कुल आप खाएंगे तो मछली जैसा टेस्ट आएगा बिल्कुल। और आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और एक नई रेसिपी के साथ फिर हम हाज़िर होते हैं। थैंक यू दोस्तों।